दोस्तों आजकल आप सभी सुनते या देखते आ रहे होंगे कि नए क्रिएटर्स माय फर्स्ट ब्लॉग करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और वह वीडियोस ट्रेंडिंग में भी आ रही हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इन क्रिएटरों के फर्स्ट ब्लॉग कैसे हो रहे हैं वायरल। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत, बस वीडियो को अंत तक देखना और बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों कई क्रिएटर्स जो अपने फर्स्ट ब्लॉग में ही वायरल हो जा रहे हैं, उनका फर्स्ट ब्लॉग में ही लाखों में व्यू चला जा रहा है। दोस्तों आप कोई ट्रेंडिंग कंटेंट से हटकर वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियोस में काफ़ी कम व्यूज़ आते होंगे, क्योंकि वे वीडियोस में यूट्यूब भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो ट्रेंडिंग चीज़ों की आप वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं तो वो काफ़ी जल्दी वायरल भी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सौरभ जोशी का नाम तो सुना ही होगा, भारत के नंबर वन ब्लॉग यूट्यूबर। यदि आपने नहीं सुना है तो मैंने सौरभ जोशी में पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों सौरभ जोशी जो पर दिन ब्लॉग अपलोड किया करते हैं और आजकल आप देख रहे होंगे कि उनके लगातार 24 से 25 वीडियो ट्रेंडिंग में आई हुई है, जो कि ये कारनामा अभी तक भारत के किसी भी यूट्यूबर नहीं कर पाया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ब्लॉगिंग का क्रिएट आजकल कैसा छाया हुआ है। हर कोई व्यक्ति ब्लॉगर बनना चाहता है और वह अपने आसपास की वीडियोस बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर रहा है। दोस्तों यूट्यूब में ब्लॉगर का आजकल क्रिएट होने के कारण YouTube आजकल उनकी वीडियोस में अधिक दिलचस्पी दिखा रहा है। दोस्तों झुंड में चलने वाला शेर नहीं कहलाता, अकेला चलने वाला शेर कहलाता है। यदि आप भी ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो एक दो वीडियोस तो आपकी वायरल हो जाएंगी, परंतु बाद में उस चैनल में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप निरंतर किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है। बस अपने काम को दृढ़ता से करते रहें और आखिरी में यही कहना चाहूँगा, करते चलो, बढ़ते चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।